बुल्ली अपने घर में आराम कर रहा है और गुल्ली कंप्यूटर पर अपना काम कर रहा है। आज बाहर का मौसम बहुत खराब है, तगड़ी वाली बारिश भी हो रही है। तभी गुल्ली बुल्ली के घर की घंटी बजती है। गुल्ली देखो बाहर कोई आया है। गुल्ली बाहर का मौसम बहुत खराब है तो इतनी रात को कौन आया होगा? बुल्ली ये कहते हुए दरवाजा खोल देता है लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता है। बुल्ली इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही बुल्ली की नज़र नीचे की तरफ पड़ती है तो उसे एक चिट्ठी दिखाई पड़ती है। बुल्ली उस चिट्ठी को उठा लेता है और अंदर की तरफ चला जाता है। बुल्ली इतनी रात को कौन आया है? बुल्ली बाहर कोई आया हुआ था और वो ये चिट्ठी छोड़ कर गया है। बुल्ली वो कौन था जो इतनी रात को हमें ये चिट्ठी देने आया था? तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए था, जरूर कोई ना कोई वहाँ पर रहा होगा। हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, पता नहीं इसमें क्या हो। और ये भी हो सकता है कि ये चिट्ठी किसी और के लिए हो। नहीं गुल्ली, ये चिट्ठी और किसी के लिए नहीं है। देखो इस पर मेरा और तुम्हारा नाम लिखा है। गुल्ली ये बोलकर चिट्ठी को ओपन कर देता है और गुल्ली उस चिट्ठी को पढ़ता है। गुल्ली चिट्ठी पढ़ने के बाद गुल्ली से कहता है, गुल्ली ये चिट्ठी तो अंकल जॉन ने भेजा है और जॉन अंकल ने हमें अपने घर बुलाया है और कहा है तुम लोग जितनी जल्दी हो सके फौरन दौड़े चले आओ। आखिर अंकल जॉन ने हमें ऐसे लेटर भेजकर क्यों बुलाया है? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? हाँ गुल्ली, चलो हमें तुरंत निकलना होगा। गुल्ली क्यों ना हम शॉन को अपने साथ ले लें, वैसे भी हम लोग अंकल जॉन के यहाँ बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। हाँ गुल्ली ठीक है, चलो हम शॉन के घर चलते हैं और उसे अपने साथ लेकर जॉन अंकल के यहाँ तुरंत चलते हैं। अब गुल्ली बुल्ली अपनी जीप निकालते हैं और शॉन को लेने उसके घर जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर पहुंच जाते हैं और वो शॉन को बाहर बुलाते हैं। शॉन बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतनी रात को क्यों आए हो? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं हो गई? जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है तो तुम लोग मुझे बुलाने चले आए? नहीं शॉन, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं और गुल्ली जॉन अंकल के यहाँ बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो सोचा क्यों ना हम तुम्हें भी साथ में ले लें। हाँ गुल्ली बुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वहाँ खूब मजे करूंगा। अपने पॉटी बॉय शॉन ने शिकार वाली कैप पहन ली है और वो अब गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ जॉन अंकल के पास जा रहा है। जॉन हमें यहाँ आए बहुत टाइम हो गया है और ये जॉन अंकल का घर तो बहुत डरावना लग रहा है। चलो गुल्ली अब हमें अंदर चलना चाहिए। गुल्ली बुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन जॉन अंकल के घर में जा रहे हैं। अरे यहाँ तो इस पेड़ पर बहुत सारी लाशें टंगी हुई हैं। कहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? गुल्ली बुल्ली और शॉन जॉन अंकल को आवाज लगाते हैं पर जॉन अंकल दिखाई नहीं देते हैं। अरे शॉन और बुल्ली, जॉन अंकल कहाँ चले गए जो वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग खामखा डर रहे हो। जॉन अंकल कहीं चले गए होंगे। जब तक अंकल जॉन आ नहीं जाते तब तक हम आराम कर लेते हैं। वैसे भी मैं तो लंबा सफर करके बहुत थक गया हूँ। अब मुझे बहुत तेजी से नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। फाइनली गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों अपने अपने बेड पर आराम कर रहे होते हैं। अरे ये तो ग्रेनी है, लेकिन वो यहाँ क्या करने आई है? गुल्ली बुल्ली शॉन तो सो रहे हैं, लगता है ग्रेनी यहाँ अपने शॉन का पैसा चुराने आई है। ग्रेनी अपने शॉन का पूरा पैसा ले लेगी तो अपना शॉन बेचारा क्या करेगा? अरे ग्रेनी ने शॉन को तो बहुत जोरदार मार दिया। शॉन उड़ जाता है और चिल्लाने लगता है, किसने मारा, किसने मारा, क्या हुआ शॉन? गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा? शॉन मैंने तुम्हें नहीं मारा। शॉन मैंने भी तुम्हें नहीं मारा। गुल्ली बुल्ली, मुझे किसी ने बहुत जोर से मारा है। शॉन मुझे लगता है तुमने जरूर कोई भयानक सपना देखा है। चलो अब सो जाओ। गुल्ली बुल्ली सो जाते हैं और अपना पॉटी बॉय शॉन भी सो जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि उसका वहम हो। आखिरकार ग्रेनी फिर आ जाती है और अपना पॉटी बॉय शॉन इस बार ग्रेनी को देख लेता है। तो आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए मेघजोक हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।